तो दोस्तों भारत के स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है और शायद अब जो वक्त है वो भारत का साथ दे रहा है ना कि चीन का, क्योंकि चीन की 3400 से भी ज्यादा की जो संख्या में कंपनियां हैं वो बंद हो चुकी हैं, जबकि भारत और अमेरिका सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नंबर वन की पोजीशन की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल आप सभी को एक ऑफिशियल डाटा दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन के ऊपर आप सभी एक स्क्रीनशॉट देखिए जिसके माध्यम से यह बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है कि चीन का जो सेमीकंडक्टर उत्पादन है वो लगातार नीचे गिर रहा है और इस साल चीन के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 24.7% की गिरावट आई है। और इसके अलावा चीन की 3470 की संख्या में जो कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती थी वो मैन्युफैक्चरिंग से बाहर हो चुकी हैं। जी हां, यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी वाली न्यूज है, क्योंकि हाल फिलहाल में भारत सरकार की तरफ से $20 बिलियन के अंदर भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगने वाली है। और इतना ही नहीं, भारत सरकार अलग से करीब $10 बिलियन लगाने वाली है ताकि भारत के आत्मनिर्भर भारत में सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लोकल प्रोडक्शन पर पहुंच पाए। और इसके लिए भारत में बहुत ही बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने वाले हैं जिससे हम भारत के अंदर स्वदेशी तौर पर सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हालांकि इन सेमीकंडक्टर को बनाने में हमारा मित्र ताइवान हमें अपनी टेक्नोलॉजी देगा और भारत की दिग्गज कंपनियां मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत के यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगी सेमीकंडक्टर की। और इसके अलावा यदि चीन का हाल यही बना रहा तो एशिया में जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है वो भारत के हाथ में आ जाएगा और 2026 तक ऐसा अनुमान है कि करीब $300 बिलियन का सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है वो भारत के अंडर में होगा। और $300 बिलियन यदि हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब करीब 24 लाख करोड़ रुपए बैठते हैं और इतनी बड़ी अमाउंट का जो मार्केट है वो भारत के हत्थे चढ़ जाएगा। साथ में अमेरिका भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए $52 बिलियन का भारी भरकम निवेश करके बैठा हुआ है और $200 बिलियन का विदेशी निवेश अमेरिका को मिलेगा। पर फिलहाल में आप सभी को क्या लगता है और क्या भारत कभी आगे चलकर चीन के ऊपर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जो निर्भरता है उसको खत्म कर पाएगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में फिर आप इस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।